नमस्ते बालक हो, लहानपण माझे या यूट्यूब चॅनलची शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुलांच्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी भव्य ऑनलाइन स्पर्धा सादरीकरण कोणत्याही भाषेत चालेल। प्रत्येक स्पर्धकाला कलरफुल ऑनलाइन सर्टिफिकेट शिवाय भरपूर बक्षिसे। सहभागासाठी दिलेल्या नंबरवर मेसेज पाठवा। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको तेनाली राम की कथा सुनाऊंगा। कई वर्ष पहले की बात है, विजयनगर में एक राजा राज कर रहा था। उसका नाम था महाराज कृष्णदेव राय। एक दिन विजयनगर में चूहों की संख्या बढ़ गई। इधर देखो उधर चूहे ही चूहे। राजा ने ये हुक्म सुनाया, हर घर में एक एक बिल्ली पाली जाए, हर घर में एक एक गाय प्रदान की जाए, ताकि बिल्लियों को दूध की कमी ना पड़े। विजयनगर में तेनाली राम नाम का एक वजीर था। उसको ये निर्णय अनुचित लगा। उसको सारा प्रबंध ही मूर्खतापूर्ण लगा। उसको एक युक्ति आई। पहले ही दिन अपनी बिल्लियों को गरम गरम दूध का कटोरा रखा। जैसे ही बिल्ली ने दूध पीने के लिए अपना मुख कटोरे में रखा, उसका मुंह जल गया, आंखें बाहर निकलने को आ रही थी, वो फट से दौड़ गई। राजा अपने निर्णय से बहुत खुश था। वो घर घर जाके खुद देखता कि सब ठीक ठाक है या नहीं। आखिर में वो तेनाली राम के घर पर पहुंचा। उसने देखा हड्डियों की ढांचा बनी हुई बिल्ली वहां नजर आई। राजा को बहुत जोर का झटका लगा। राजा ने पूछा कि सारा दूध तुम्हें पिए जा रहे हो क्या? तेनालीराम बोले, अगर आप जान बख्शे तो मैं सब कुछ सच सच बता दूं। राजा बोले, हाँ हाँ तुम निर्भय होकर सब कुछ सच सच बता दो। तेनालीराम बोले, महाराज पता नहीं क्या हुआ, मेरी बिल्ली तो दूध ही नहीं पी रही है। राजा बोले, ये कैसे हो सकता है? तेनालीराम बोले, आप स्वयं ही देख ले। तेनालीराम ने दूध का कटोरा रखा। जैसे ही उस बिचारी बिल्ली ने दूध का कटोरा देखा, वो झट से दौड़ गई। राजा को तेनाली राम की युक्ति समझ आ गई। राजा ने हुक्म बनाया कि तेनाली राम को बंदी बना लिया जाए और इसकी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। तेनाली राम ने नजरें उठाए बिना कहा, ठीक है महाराज, परंतु सोचिए, अगर हमारे देशवासियों के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये मूर्खता नहीं है कि सारा दूध बिल्लियों को दे दे। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने तेनाली राम को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानवता की सेवा सर्वोत्तम है। धन्यवाद। मोफत स्पर्धेचा लाभ घ्या, मुलांचे व्यक्तिमत्व अष्टपैलू घडवा, सोबतीला बक्षिसे मिळवा। हा उपक्रम आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करा।